राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक नाट्य प्रस्तुति भी दिखाई गई, जो इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण का केंद्र रही। नए आपराधिक कानूनों पर प्रस्तुत चर्चा हुई। इन कानूनों को अंगीकार करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बृहद ट्रेनिंग कैलेंडर बना लिया है और विभिन्न श्रेणियों की ट्रेनिंग शुरू करी जा चुकी है। मार्च महीने तक का हमारा लक्ष्य है कि 8,800 अन्वेषण अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को नए कानूनों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देकर उन्हें फील्ड में इनके अनुपालन के लिए तैयार कर दिया जाए। इस दिशा में हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NCERT और DPRLT का भी उचित सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए हम गृह मंत्रालय के आभारी हैं। महोदय, विगत एक वर्ष में दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर घटित होने वाली अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक प्रभावी कोशिश करी है। परिणाम स्वरूप सन 2022 की तुलना में सन 2023 के आंकड़े बताते हैं कि जघन्य अपराधों में 2.5% और लूटपाट के अपराधों में 8.5% की गिरावट आई है। दिल्ली पुलिस आज अपने रेसिंग डे पर दिल्ली को पूर्णतया सुरक्षित शहर बनाने के अपने वचन पर निरंतर काम करती रहेगी। मैं इसका आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। महोदय, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थिति में पुलिस का दायित्व अपने मजबूत कंधों पर उठा रहे हमारे वो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात सर्दी गर्मी और बरसात में सड़कों, मकानों और खेत खलिहानों में अपनी जान की परवाह किए बिना अपराध और अपराधियों से भिड़ रहे हैं। विगत एक वर्ष में हमारे 100 से ऊपर बहादुर सदस्यों ने ये लड़ाई लड़ते हुए अपने शरीर पर अपराधियों के हाथों रंजीदा घाव किए थे। दिल्ली पुलिस जिस भव्य रूप में आज आपके आशीर्वचन सुनने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसके शौर्य, गौरव और लद्दाख के देश के पीछे इन वीर पुलिसकर्मियों का अमूल्य योगदान भी है।